हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए दिन एक और नए वीलॉग में। सो ट्रिप टू प्रेशा एंड पूजा, यानी कि प्रेशा और पूजा को लाने की ट्रिप हो चुकी है स्टार्ट। तो अभी आई एम ऑल सेट एंड रेडी। देखो पूरा तैयार होके मैं निकल रहा हूँ हिमाचल के लिए। ठंड इतनी कुछ खास है नहीं, इसलिए मैंने हाफ स्लीव ही कैरी किया है। फुल स्लीव का एक अपर रखा हुआ है साथ में गाड़ी में, इन केस इफ आई फेल्ट के भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं चेंज कर लूँगा। पर अभी तो धूप भी नहीं और गर्मी लग रही है। आई थिंक धूप आएगी तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी। आई होप मैंने सारा सामान बेसिक ले लिया हो, क्योंकि फिर वहाँ पे जाके दिक्कत हो जाएगी। बट अभी मौसम अच्छा लग रहा है, क्लियर लग रहा है, धूप निकली हुई है। गाने मैं लगाने वाला हूँ तो लुकिंग एवरीथिंग गुड। तो चलो भाई, लेके आए उन दोनों को, बहुत दिन हो गए उनसे मिले, आप लोग भी नहीं मिले होंगे। तो चलो चले मिलने उन दोनों से और उन्हें लेके आए घर वापस। ये जो सामने टोल आ रहा है, सबसे बेकार टोल है, मुझे नहीं पता ये क्यों बनाया गया। जब आप ऑलरेडी जब हम कोई गाड़ी बाय करते हैं तो आप रोड टैक्स ले लेते हो 15 साल का, तो ये इसका क्या मीनिंग है इसका टोल प्लाजा का, एक तो समझ नहीं आता। चलो फिर भी 20-30 रुपये होना समझ आता है। इन्होंने 150 रुपये शायद है एक साइड का, मतलब इतना ज़्यादा ये फालतू का लगता है ना, मुझे लूट मचाई हुई है यहाँ पे इन्होंने। पर क्या कर सकते हैं, जो लड़ेगा टाइम वेस्ट करो, अपना बैंस बसाई करो और देना पड़ता ही है। फास्टैग वाला सिस्टम और सही है, कोई पूछता नहीं कुछ नहीं, बस गाड़ी निकालो और पे करो, ये सीधा सीधा हिसाब रख दिया इन्होंने। पर क्या ही है ना यार, बहुत गलत, आई थिंक दिस इज वर्स्ट, गलत है, ये होना नहीं चाहिए। पर है, क्या कर सकते हैं। बेकार चीज़ है, पर कत्ते ही बेकार चीज़ है। और चीज़ है जो मैं फॉलो करता हूँ, तो जब कभी कहीं भी हम ट्रिप पे जाते हैं तो जो भी पहली नदी या पानी का सोर्स आता है रास्ते में, उसमें माथा ज़रूर टेकते हैं। मतलब एक पानी का उसमें कोई भी सिक्का डाल दो, और सिक्का डाल के यू नो एक थैंक यू देते हैं धरती माता को, पानी को, क्योंकि आपको पता है नीचे तो पानी ही है। तो एक थैंक यू और एक छोटी सी प्रेयर के हमारा आने जाने का रास्ता बिल्कुल मतलब अच्छे से आना जाना हो जाए, कोई बिघन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक छोटी सी प्रेयर करते हैं जो भी पानी का सोर्स आता है, और मुझे लगता है करनी भी चाहिए। पहले नहीं करता था मैं, काफ़ी लेट शुरू की है, बट मुझे इसमें लॉजिक लगता है एंड मैं ये ज़रूर फॉलो करता हूँ। कोई भी पानी का सोर्स आता है तो उसमें एक सिक्का डाल दो एंड जो भी आपको प्रेयर करनी है आप कर सकते हो। भाई कितने पेड़ काटे हैं यार, बड़ा बुरा लगता है यार ये देख के ना, इतने सारे पेड़ काट के लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है यार देख के। टफेस्ट एंड मोस्ट थैंकलेस जॉब इन द वर्ल्ड मिलिट्री गाइस। देखो भाई, जो हमारे देश को इतनी दिक्कतों से बचाते हैं, कैसे ट्रकों में ट्रैवल कर रहे हैं। पर ये हार्डशिप इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ बॉर्डर है वहाँ तो कोई फैसिलिटी है नहीं, तो प्रॉब्ली इसलिए इनको ये हार्डशिप के थ्रू निकाला जाता है। पर सल्यूट इनकी डेडिकेशन को, इनकी वजह से ये हम सेफ फील करते हैं और सेफ कुछ भी ट्रैवल कर सकते हैं। और यू नो जो इंडिपेंडेंस जिसका हम गुणगान गाते हैं ना, वो इन्हीं की वजह से है। सो सल्यूट एंड हैट्स ऑफ। तो ये है JCT की फैक्ट्री, रिलायंस की स्टार्टिंग मेरे ख्याल से यहीं से, मतलब स्टार्टिंग वाली कुछ फैक्ट्रीज में से है ये, जहाँ पोलिएस्टर बनाना शुरू किया था रिलायंस ने। बहुत बड़ी फैक्ट्री है और ये फगवाड़ा का यू नो एक बड़ा आइकॉनिक जगह है JCT की फैक्ट्री। पंजाब यहाँ आ रहे हैं कुछ स्कीम वगैरह अनाउंस करने, हर जगह पोस्टर भी लगे हैं, इसलिए इतना ज्यादा ये, शायद केजरीवाल जी भी होंगे साथ में, तो इसलिए शायद इतना ज्यादा इधर हुआ है। हर जगह पुलिस दिख रही थी रास्ते में, वो शायद इसलिए है। और जो बेसिक रास्ता जो हाईवे से निकलता था साइड पे, वो भी बंद किया हुआ है, पूरी सिक्योरिटी बीफअप की हुई है। और पूरा लाइक होशियारपुर फगवाड़ा से लेके होशियारपुर का रास्ता पूरा भरा पड़ा है इन्हीं सब चीज़ों से यार, मूंगफली लेते हैं उसको मिल के देखते हैं। रास्ता साइड से जाना ये रास्ते को कवर करने में हार्डली 10 मिनट लगते थे,
आज मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया शहर के अंदर घूमते हुए, और अभी तक वो मेन हाईवे नहीं आया जहाँ से मैंने जाना था। ये हरासमेंट खराब लगते हैं यार, नेता आते हैं और जनरल पब्लिक को हरास करते हैं, पर उनका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, क्या किया जा सकता है। आपका एंड और हिमाचल की स्टार्टिंग तो नहीं है, ये थोड़ा सा न्यूट्रल एरिया, इसके बाद बस अब एक शायद एक टर्न से या एक दो टर्न से हिमाचल स्टार्ट हो जाएगा। ये न्यूट्रल एरिया या आई डोंट नो किसका एरिया, बट पंजाब यहाँ पे हो गया ख़त्म। लास्ट चेक पॉइंट था ये टॉप अपना, जहाँ प्रेशा के खेलती होती है। फिलहाल तो पेट्रोल भरवाया, तो अभी तो नहीं रुकना आज, तो बस पेट्रोल भरवा के चलेंगे। जो कुछ ढूंढने आया हूँ हमेशा ये मंदिर रास्ते में आता है, बहुत बार सोचा मैं जाऊँगा पर कभी जा नहीं पाया। आज पता नहीं, मेरी पहले से इच्छा थी कि मैं दर्शन ज़रूर करूँगा, तो चलो चलते हैं अंदर। मंकी बहुत है यहाँ पे, तो लेट्स होप पहले तो हनुमान जी के दर्शन करो। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर। हम इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं आजकल, हमारे आसपास इतना ज़्यादा खूबसूरती है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं या ख़राब ही कर रहे हैं। सिद्ध पीठ बगला मुखी माँ, पता नहीं क्यों मैं आज तक यहाँ गया नहीं, पर क्या ही मज़ा आया, शांति मिली। आई होप मैं यहाँ पे आता रहूँगा। इसके प्राइस में ना ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब ह्यूज डिफरेंस। अभी मैं रामायण देख रहा था, मेरे ख्याल से ऑनलाइन 280 या 300 रुपए की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ मैंने देखी मार्केट में तो 550-600 ऐसे प्राइस है, मतलब 50% का मार्जिन हो गया भाई सीधा। इतना ज़्यादा फ़र्क है यार, पहले भी जो मैं बुक्स मंगाता हूँ ना उनमें भी बहुत फ़र्क आता है, यहाँ पे सीधा MRP भी मिलती हैं और ऑनलाइन में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। ये यार बड़ा अजीब सा चीज़ मैंने नोटिस की है, क्योंकि जनरली मतलब दुकानदारों के लिए तो फिर मुश्किल है, या पता नहीं ऐसे ही होता है मुझे, आई डोंट नो, स्कूल छोड़े इतना टाइम हो गया तो ज़्यादा बुक्स में इन्वॉल्वमेंट रह नहीं गई। अब परीक्षा की पढ़ाई शुरू होगी, फिर शायद मैं थोड़ी रिसर्च करूँगा, फिर शायद कुछ समझ आएगा। सोचा था यहाँ ठंड होगी, यहाँ तो हाफ स्लीव में मुझे गर्मी लग रही है, यहाँ मैं ज़्यादा गर्मी है लुधियाना से भाई। घंटे का सफ़र पड़ा है यहाँ से और बहुत तगड़ी भूख लग गई है, चलो यार कुछ खाने को ले, चिप्स विप्स। ये आई ना गाँव वाली वाइब पूरी, देखो छोटी बकरी, सींग वाली बकरी, मैं ये निशानी है मेरे ससुराल की, वो देखो गाड़ी अगर तुम्हें दिख रही है तो वो खड़ी धुल रही है, तो यहाँ से तकरीबन जो भी गाड़ी निकलती है इसके नीचे खड़ी होकर निकलती है, और अपन भी ये रिचुअल पूरा करेंगे अगर इस गाड़ी ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया तो, नहीं तो फिर निकल जाएंगे। तो ये धो रहा है भाई अपना आराम से, मस्त धो रहा है, तो शायद ये पूरा अपना धो के ही जाएगा, तो अपन चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है, चलो निकल जाते हैं अपन छोड़ पर है। चलो थोड़े छिट्टे तो पड़ ही गए, तो ये यहाँ का रिचुअल है, यहाँ से लोग गाड़ी धो लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे चला था 2:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगा, पर आपको पता है हम रास्ते में, एक तो होशियारपुर जब थोड़ा रास्ता लंबा हो गया चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के कारण, तो रास्ते में मंदिर भी गए थे और आराम से आ रहे हैं, कोई ज़्यादा जल्दी हम कर नहीं रहे हैं, तो ठीक है भाई आराम से पहुँच गए, कोई काली नहीं की। हाँ दुर्घटना से देर भली कहते हैं ना, तो चलो ऑलमोस्ट रीच चले और देखे। वैसे परेशान तो सो रही होगी अभी, पर चलो पूजा से मिलते हैं जाके।
प्रिशा कौन है? प्रेशु कौन है? कौन है? पापा गए? प्रेशी एक रूम में और काय जा देखियो प्रेशु मेरा पुत्ता कौन है? पिशु कौन आया? पिशु कौन है? मिस किया मेरे पुत्र ने पापा को? मिस किया पापा को? बस बच 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 कैसे बिहेव कर रही है ना मामा से जैसे ना मतलब याद करने की कोशिश कर रही है कि क्या हो रहा है अच्छा कौन है कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया ता तो दो कौन आया टॉय क्या है आपका टॉय ढूंढो ओह कौन लेके है कौन लेके है ची चलाओ चला के दिखाओ जाओ अच्छा लगा जाओ लेके आओ फिर जाओ विशी अपे अपे जाओ जाके दिखाओ तोड़ दी मेरा पुत्र जा रहे हैं घूमने क्योंकि इसको गाड़ी में घूमने का मन है कहाँ जा रहे हैं किस में जा रहे हैं गाड़ी में कहाँ जा रहे हैं घूमी हेलो कर दे पहले हेलो हेलो करो हेलो तो अभी मैं और पीछा फुल मस्ती कर रहे हैं जब से मैं आया हूँ इसने सबको इग्नोर करके सिर्फ मेरे पास आ गया ये बाप बेटी का प्यार अच्छा गुड नाइट करते गुड नाइट बाय करते बाय गुड नाइट कल मिलेंगे और नए दिन और नए ब्लॉग में आज के लिए इतना ही बाय 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 बाय